में इसका सोल्यूशन गलत है। चलो, ए स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर कैरी करेंट 1 एम्पियर प्लस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला। अब देखो, स्ट्रेट वायर लेके आए और जिसकी लेंथ दी हुई है, चलो ये वायर है हम लोगों का और इस वायर का जो लेंथ है हम लोगों को पहले से पता है, दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर। ये जो वायर है वो ऐसे कुछ रखा हुआ है, इसकी लेंथ है और इसमें करंट भी फ्लो हो रहा है प्यारे बच्चों 1.2 एम्पीयर, और इसकी लेंथ है 0.5 मीटर, वट इवर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द वायर। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अगर ये लेंथ ऐसे है जहाँ से करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है लेंथ के, थीटा 90 है। तो निकालना क्या है, द फोर्स ऑन द वायर। हम सबको पता है अगर एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर फोर्स लग भी सकता नहीं भी लग सकता, वो थीटा डिसाइड करेगा। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर जो होता है वो होता है बिल साइन थीटा, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, आई इज द करंट, एल वह लेंथ है जहां से करंट इंट्री कर रही है, जहां से करंट एग्जिट कर रही है, स्ट्रेट लाइन शेप पे डिपेंड नहीं करता है, और थीटा इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। अगर वेक्टर में इसको देखोगे तो ये आई बाहर आ जाएगा और एल क्रॉस बी होता है, इसको याद कर लो। तो इन दोनों वेक्टर के बीच थीटा 90 है, तो वॉट एवर जो भी फोर्स लगेगा वो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो आ जाएगी बिल। अब सारे साइन 91 होता है, ये आ जाएगा यहाँ पर फोर्स बिल साइन 90, तो साइन 91 हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रख दो, कितना दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 2 टेस्ला है और करंट 1.2 एम्पियर है और लेंथ इसका 0.5 है, और ये सब एक्चुअली SI यूनिट में ही है, तो 5 दूना 10 ये, और 1.2 न्यूटन इस पर फोर्स फील करेगा, और ये इस पर लगने वाला मैक्सिमम फोर्स है, दैट इज बी ऑप्शन सही है। मतलब इस कंडक्टर पे 1.2 से ज़्यादा कभी भी इस फील्ड में फोर्स नहीं लग सकता।